22 फरवरी 2023 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे तुम्हें ज्ञान की सैकरीन मिली है, सैकरीन की वह बूंद है मनमना भव, यही खुराक सबको खिलाते रहो। प्रश्न, सच्ची सच्ची खुशखैराफत कौन सी है? तुम्हें सबकी कौन सी रूहानी खातिरी करनी है? उत्तर, हर एक को बाप का परिचय देना, यही है सच्ची सच्ची खुश खैराफत। तुम श्रीमत पर सबको खुशी की खुराक खिलाते रहो। बेहद के बाप द्वारा जीवन मुक्ति की खुराक जो तुम्हें मिली है, वह सबको देते चलो। अतीन्द्रिय सुख में रह सबको ज्ञान योग की फर्स्ट क्लास खुराक खिलाना, यही सबसे अच्छी रूहानी खातिरी है। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अभी तुम जानते हो कि यह पुरानी दुनिया बदलने वाली है। बेचारे मनुष्य नहीं जानते कि कौन बदलाने वाला है और कैसे बदलाते हैं, क्योंकि उन्हों को ज्ञान का तीसरा नेत्र ही नहीं है। तुम बच्चों को अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। यह है ज्ञान की सैकरीन। सैकरीन का एक बूंद भी कितना मीठा होता है। ज्ञान का भी एक ही अक्षर है मनमना भव, सभी से कितना मीठा है। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो। बाप शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बता रहे हैं। बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने, तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। कहते भी हैं, खुशी जैसी खुराक नहीं। जो सदैव खुशी मौज में रहते हैं, उनके लिए वह जैसे खुराक होती है। 21 जन्म मौज में रहने की यह जबरदस्त खुराक है। यह खुराक सदैव एक दो को खिलाते रहो। एक दो की जबरदस्त खातिरी यह करनी है। ऐसी खातिरी और कोई मनुष्य की कर ना सके। तुम बच्चे श्रीमत पर सभी की रूहानी खातिरी करते हो। सच्ची सच्ची खुश खैराफत भी यह है किसको बाप का परिचय देना। मीठे बच्चे जानते हैं, बेहद के बाप द्वारा हमको जीवन मुक्ति की खुराक मिलती है। सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, पावन था। बाप बहुत बड़ी ऊंची खुराक देते हैं। तब तो गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। यह ज्ञान और योग की कितना फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है, और यह खुराक एक ही रूहानी सर्जन के पास है, और किसको इस खुराक का मालूम ही नहीं है। बाप कहते हैं, मीठे बच्चों तुम्हारे लिए तेरी हथेली पर सौगात ले आया हूँ। मुक्ति, जीवन मुक्ति की यह सौगात मेरे पास ही रहती है। कल्प कल्प मैं ही आकर तुमको देता हूँ, फिर रावण छीन लेता है। तो अभी तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। तुम जानते हो हमारा एक ही बाप टीचर और सच्चा सच्चा सद्गुरु है, जो हमको साथ ले जाते हैं। मोस्ट बिलवेड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है, यह कम बात है क्या? तो सदैव हर्षित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज दी बेस्ट। यह अभी का ही गायन है ना, फिर नई दुनिया में भी तुम सदैव खुशियां मनाते रहेंगे। दुनिया नहीं जानती कि सच्ची सच्ची खुशियां कब मनाई जाएंगी। मनुष्यों को तो सत्युग का ज्ञान ही नहीं है, तो यहाँ ही मनाते रहते हैं। परंतु इस पुरानी तमोप्रधान दुनिया में खुशी कहाँ से आई? यहाँ तो त्राहि त्राहि करते रहते हैं। कितना दुख की दुनिया है। बाप तुम बच्चों को कितना सहज रास्ता बताते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। धंधाधूरी आदि करते भी मुझे याद करते रहो। जैसे आशिक और माशुक होते हैं, वह तो एक दो को याद करते रहते हैं। वह उनका आशिक, वह उनका माशुक होता है।
यहाँ यह बात नहीं है, यहाँ तो तुम सभी एक माशूक के जन्म जन्मांतर से आशिक हो रहते हो। बाप कभी तुम्हारा आशिक नहीं बनता, तुम उस माशूक से मिलने के लिए याद करते आए हो। जब दुख जास्ती होता है तो जास्ती सुमिरन करते हैं। गायन भी है दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। इस समय बाप भी सर्वशक्तिवान है तो दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिवानतमो प्रधान होती जाती है। इसलिए अब बाप कहते हैं, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो और साथ साथ देवी गुण भी धारण करो, तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। इस पढ़ाई में मुख्य बात है ही याद की। ऊंचते ऊंच बाप को बहुत प्यार स्नेह से याद करना चाहिए। वह ऊंचते ऊंच बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने, इसलिए अब मुझे याद करो तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कट जाएं। पतित पावन बाप कहते हैं, तुम बहुत पतित बन गए हो, इसलिए अब तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बन और पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। पतित पावन बाप को ही बुलाते हैं ना। अब बाप आए हैं तो जरूर पावन बनना पड़े। बाप दुखहरता सुख करता है। बरोबर सत्युग में पावन दुनिया थी तो सभी सुखी थे। अब बाप फिर से कहते हैं, बच्चे शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो। अभी है संगमयुग, खिवैया तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। नैया कोई एक नहीं, सारी दुनिया जैसे एक बड़ा जहाज है, उनको पार ले जाते हैं। तुम मीठे बच्चों को कितनी खुशियां होनी चाहिए, तुम्हारे लिए तो सदैव खुशी ही खुशी है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। वाह, यह तो कब न सुना न पढ़ा। भगवान वाच, मैं तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ तो पूरी रीति सीखना चाहिए, धारणा करनी चाहिए, पूरी रीति पढ़ना चाहिए। पढ़ाई में नंबरवार तो सदैव होते ही है। अपने को देखना चाहिए, मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ व कनिष्ठ हूँ। बाप कहते हैं, अपने को देखो, मैं ऊंच पद पाने के लायक हूँ, रूहानी सर्विस करता हूँ। क्योंकि बाप कहते हैं, बच्चे सर्विसेबल बनो, फॉलो करो। मैं आया ही हूँ सर्विस के लिए, रोज सर्विस करता हूँ, इसलिए ही तो यह रथ लिया है। इनका रथ बीमार पड़ जाता है तो भी मैं इनमें बैठ मुरली लिखता हूँ। मुख से तो बोल नहीं सकते तो मैं लिख देता हूँ, ताकि बच्चों के लिए मुरली मिस ना हो तो मैं भी सर्विस पर हूँ ना। यह है रूहानी सर्विस। तुम भी बाप की सर्विस में लग जाओ, आन गॉड फादरली सर्विस। बाप ही तुमको सारे विश्व का मालिक बनाने आए हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं उनको महावीर कहा जाता है। देखा जाता है कौन महावीर है, जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। बाप का फरमान है, अपने को आत्मा समझ, भाई भाई देखो, इस शरीर को भूल जाओ। बाबा भी शरीर को नहीं देखते हैं। बाप कहते हैं, मैं आत्माओं को देखता हूँ। बाकी यह तो ज्ञान है कि आत्मा शरीर बिगर बोल नहीं सकती। मैं भी इस शरीर में आया हूँ, लोन लिया हुआ है, शरीर के साथ ही आत्मा पढ़ सकती है। बाबा की बैठक यहाँ है, यह है अकाल तख्त। आत्मा अकाल मूर्त है। आत्मा कब छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है। जो भी आत्माएं हैं उन सभी का तख्त यह भ्रिकुटी का बीज है। शरीर तो सभी के भिन्न भिन्न होते हैं। किसको अकाल तख्त पुरुष का है, किसका अकाल तख्त स्त्री का है, किसका अकाल तख्त बच्चे का है। बाप बैठ बच्चों को रूहानी ड्रिल सिखलाते हैं। जब कोई से बात करो तो पहले अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा फलाने भाई से बात करते हैं, बाप का पैगाम देते हैं कि शिव बाबा को याद करो।
याद से ही जंग उतरनी है। सोने में जब अलाय पड़ती है तो सोने की वैल्यू ही कम हो जाती है। तुम आत्माओं में भी जंग पड़ने से तुम वैल्यूलेस हो गए हो। अब फिर पावन बनना है। तुम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। उस नेत्र से अपने भाइयों को देखो। भाई भाई को देखने से कर्मेंद्रिया कब चंचल नहीं होंगी। राजभाग लेना है, विश्व का मालिक बनना है, तो यह मेहनत करो। भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो, तो फिर यह टेव आदत पक्की हो जाएगी। सच्चे सच्चे ब्रदर्स तुम सभी हो। बाप भी ऊपर से आए हैं, तुम भी आए हो। बाप बच्चों सहित सर्विस कर रहे हैं। सर्विस करने की बाप हिम्मत देते हैं। हिम्मते मर्दा, तो यह प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा भाई को पढ़ाता हूँ। आत्मा पढ़ती है ना, इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है, जो रूहानी बाप से ही मिलती है। संगम पर ही बाप आकर यह नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। तुम नंगे आए थे, फिर यहाँ शरीर धारण कर तुमने 84 जन्म पाठ बजाया है। अब फिर वापस चलना है, इसलिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखना है। यह मेहनत करनी है, अपनी मेहनत करनी है, दूसरे में हमारा क्या जाता। चैरिटी बिगेंस एट होम, अर्थात पहले खुद को आत्मा समझ फिर भाइयों को समझाओ, तो अच्छी रीति तीर लगेगा। यह जौहर भरना है। मेहनत करेंगे तब ही ऊंच फल पाएंगे। बाप आए ही हैं फल देने लिए, तो मेहनत करनी पड़े, कुछ सहन भी करना पड़ता है। तुम्हें कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो। तुम चुप रहेंगे तो फिर दूसरा क्या करेगा। ताली दो हाथ से बजती है। एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे तो वह आपे ही चुप हो जाएंगे। ताली से ताली बजने से आवाज हो जाता है। बच्चों को एक दो का कल्याण करना है। बाप समझाते हैं, बच्चे सदैव खुशी में रहने चाहते हो तो मन ना भव। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भाइयों आत्माओं तरफ देखो। भाइयों को भी यह नॉलेज दो। यह टेव पड़ जाने से फिर कभी क्रिमिनल आई धोखा नहीं देगी। ज्ञान के तीसरे नेत्र से तीसरे नेत्र को देखो। बाबा भी तुम्हारी आत्मा को ही देखते हैं। कोशिश यह करनी है सदैव आत्मा को ही देखें, शरीर को देखें ही नहीं। योग कराते हो तो भी अपने को आत्मा समझ भाइयों को देखते रहेंगे तो सर्विस अच्छी होगी। बाबा ने कहा है भाइयों को समझाओ। भाई सभी बाप से वर्षा लेते हैं। यह रूहानी नॉलेज एक ही बार तुम ब्राह्मण बच्चों को मिलती है। तुम ब्राह्मण हो फिर देवता बनने वाले हो। इस संगमयुग को थोड़े ही छोड़ेंगे, नहीं तो पार कैसे जाएंगे। कूदेंगे थोड़े ही। यह वंडरफुल संगमयुग है, तो बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहने की टेव डालनी है। तुम्हारे ही फायदे की बात है। बाप की शिक्षा भाइयों को देनी है। बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूँ, आत्मा को ही देखता हूँ। मनुष्य मनुष्य से बात करेगा तो उनके मुंह को देखेगा ना। तुम आत्मा से बात करते हो तो आत्मा को ही देखना है। भल शरीर द्वारा ज्ञान देते हो, परंतु इसमें शरीर का भान तोड़ना होता है। तुम्हारी आत्मा समझती है, परमात्मा बाप हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप भी कहते हैं आत्माओं को देखता हूँ, आत्माएं भी कहती हैं हम परमात्मा बाप को देख रहे हैं, उनसे नॉलेज ले रहे हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन आत्मा की आत्मा के साथ। आत्मा में ही ज्ञान है, आत्मा को ही ज्ञान देना है। यह जैसे जौहर है, तुम्हारे ज्ञान में यह जौहर भर जाएगा तो किसको भी समझाने से झट तीर लग जाएगा। बाप कहते हैं प्रैक्टिस करके देखो तीर लगता है या नहीं। यह नई टेव आदत
डालनी है तो फिर शरीर का भान निकल जाएगा, माया के तूफान कम आएंगे, बुरे संकल्प नहीं आएंगे, क्रिमिनल आय भी नहीं रहेगी। हम आत्मा ने 84 का चक्र लगाया, अब नाटक पूरा होता है। अब बाबा की याद में रहना है, याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है, बाप जानते हैं बच्चों को यह शिक्षा देना भी मेरा पाठ है, कोई नई बात नहीं। हर 5000 वर्ष बाद हमको आना होता है। मैं बंधायमान हूँ, बच्चों को बैठ समझाता हूँ, मीठे बच्चे रूहानी याद की यात्रा में रहो तो अंत मतेसो गति हो जाएगी। यह अंत काल है ना, मामे कम याद करो तो तुम्हारी सदगति हो जाएगी। याद की यात्रा से पाया पिल्लर मजबूत हो जाएगा। यह देही अभिमानी बनने की शिक्षा एक ही बार तुम बच्चों को मिलती है। कितना वंडरफुल ज्ञान है, बाबा वंडरफुल है तो बाबा का ज्ञान भी वंडरफुल है, कब कोई बता न सके। अभी वापस चलना है, इसलिए बाप कहते हैं मीठे बच्चों यह प्रैक्टिस करो, अपने को आत्मा समझ, आत्मा को ज्ञान दो, तीसरे नेत्र से भाई भाई को देखना है, यही बड़ी मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल्धे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, एक आत्मा भाई भाई को देखने का अभ्यास करना है, अपने को आत्मा समझ भाई भाई को ज्ञान देना है, महावीर बन इस फरमान को पालन करना है। दो, तुम्हें कोई उल्टी सुलटी बात बोले तो तुम चुप रहो, ताली दो हाथ से बजती है, एक ने मुख की ताली बजाई दूसरा चुप कर दे तो वह आपे ही चुप हो जाएंगे। वरदान, अमृत वेले के फाउंडेशन द्वारा सारे दिन की दिनचर्या को ठीक रखने वाले सहज पुरुषार्थी भाव, जैसे ट्रेन को पटरी पर खड़ा कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली रास्ते पर चलती रहती है, ऐसे ही रोज अमृत वेले याद की लकीर पर खड़े हो जाओ। अमृत वेला ठीक है तो सारा दिन ठीक हो जाएगा, अमृत वेले का फाउंडेशन पक्का है तो सारा दिन स्वतः सहयोग मिलता रहेगा और पुरुषार्थ भी सहज हो जाएगा। जो सदा बाप की याद और श्रीमत की लकीर के अंदर रहने वाली ऐसी सच्ची सीताएं हैं, उनके नसंस में एक राम की स्मृति का आवाज रहता है। स्लोगन, बाबा की मदद को कैच करना है तो बुद्धि को एकाग्र कर लो। कृपया आज की बोली पर लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।